हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है, एक एक करके राशि में पोस्ट करूंगी अप्रैल के महीने की, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी तीन घटनाएं हैं जो आपके लिए इस महीने अप्रैल के महीने में साल 2024 में होकर ही रहेंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप मून साइन के बेस पर, सन साइन के बेस पर, डेट ऑफ बर्थ, राइजिंग साइन, जैसे चाहे लग्न राशि के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये रीडिंग, ध्यान रखना, जनरल होती है, सभी के लिए रिजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी भी, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी रीडिंग्स देख रहे हैं, राशिफल भी देख रहे हैं, तो उसमें भी सेम ही चीज़ें होती हैं। आप लोगों की जब कुंडली देखी जाती है, जब पर्सनल रीडिंग की जाती है, तब हमें ज़्यादा पता चलता है कि आपकी लाइफ के बारे में और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आउटकम्स क्या हैं और कौन से दोष हैं या कौन सी महादशा हैं, उससे आइडिया लग पाता है। ठीक है, बट ओवरऑल इस रीडिंग को आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा याद रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना, यानी कि लड़की है लड़का है उस पर ध्यान देने की जगह आपका ध्यान इन एनर्जीज पे, रीडिंग पे होना चाहिए। आपको अच्छे से पता है आप पुरुष हैं स्त्री हैं, या मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, ओवरऑल तीन घटनाएं जो घटित होंगी इस अप्रैल के महीने में वो हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ब्रेसलेट बनवाना हो या पर्सनल रीडिंग करवानी हो, डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अन्य कोई जगह पे हम जो है आपको सामने से कमेंट नहीं करते, कमेंट में नंबर नहीं देते और ना ही मैं स्पेशली कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। ओके, और उसके अलावा अगर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सामने स्क्रीन पर होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब बारी है वृषभ राशि वालों की, देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए वो तीन घटनाएं कौन सी है जो अप्रैल महीने में होकर रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्स, दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्स, क्लारिफाई पेज ऑफ वॉन्स, सन, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्लारिफाई दी वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, द व्हील, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, डेविल, ओके। सो वृषभ राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में सबसे पहली घटना जो मुझे दिखाई दे रही है, एक नए एनर्जी, नई ऊर्जा की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। देखो मैं बता देती हूँ, सबसे पहली घटना जो है वो आपके रिश्तों के बारे में कहता है। वो कह रहा है आपके रिश्तों के बारे में, वो कह रहा है एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप्स में एक नई शुरुआत। स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, भाई कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप यूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई अचानक से कोई पुराना मित्र, कोई पुराना एक्स आपके जीवन में एंटर कर सकता है। अनएक्सपेक्टेडली अचानक से किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। रिलेशनशिप को अगर साइड भी कर लूँ तब भी कहूँगी कि कोई दोस्त अचानक से आपके जीवन में इस महीने एंटर कर सकता है। कोई इतना पुराना मित्र जिसको आप कहीं ना कहीं दिमाग से निकाल चुके हैं, लेकिन वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मित्र रहे हैं, उनकी एंट्री वापस इस महीने एक्सपेक्टेड है। उनकी एंट्री वापस होगी, कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आएगा आपको उनसे। उनकी वजह से आप बहुत खुश महसूस करेंगे, पॉजिटिव, सेटिस्फाइड, हैप्पी वाला एनवायरनमेंट। फैमिली लाइफ में भी अगर मैं कहूँ तो फैमिली में भी बहुत अच्छा आपको माहौल बनता दिखेगा, सब चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। ऐसा लगेगा कि चीज़ें फाइनली बहुत सुंदर जा रही है मेरे लिए, पॉजिटिव चीज़ें आप देख पाएंगे। आपको अपनी मदर का सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है इस महीने। आपकी मदर आपको बहुत सपोर्ट करेंगी और आप भी अपनी मदर को बहुत प्यार देते नजर आएंगे, अपनी माँ के प्रति आप निछावर नजर आएंगे। कोई गिफ्ट मिल सकती है दोस्त, कोई पुराना मित्र जो मिल रहा है वो गिफ्ट ला सकता है आपके लिए। अचानक से कोई गिफ्ट एक्सपेक्टेड है, अचानक से आप जो है कोई सरप्राइज रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनर्जी दिख रहा है किसी पुराने मित्र के या कोई पुराने एक्स के आने के बाद, सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। घर परिवार में जैसे कि मैंने कहा माहौल अच्छा ही है। दूसरी घटना की बात करती हूँ, दूसरी घटना कहती है कि आप इस महीने ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है आपकी इस महीने,
या आप ट्रैवल करेंगे या विदेश रिलेटेड अगर आपके कोई कार्य थे, लेट्स से आप पीआर डॉक्यूमेंट या कोई भी लाइक वीज़ा पासपोर्ट रिलेटेड कोई कार्य करना चाह रहे थे, वो इस महीने हो जाएगा। इस महीने उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती नज़र आ रही है। यदि विदेश यात्रा करना चाहते थे तो इस महीने आप विदेश ज़रूर जा रहे हैं, इस महीने आपकी विदेश यात्रा होने वाली है और बहुत ही अचानक सारे प्लान बनेंगे और घूमने जाएंगे आप। और उन लोगों के लिए जो विदेश इंटरनेशनल रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, इंटरनेशनल एमएनसीज में हैं, इंटरनेशनल फील्ड्स में हैं, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के लिए इस महीने मुझे मस्त वाली ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अचानक से सडन प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आप जो है अचानक से एक विदेश यात्रा करते नजर आ रहे हैं, अचानक से आपके विदेश रिलेटेड कार्य होते नजर आ रहे हैं, सफलता मिलती नजर आ रही है। और स्पेशली सोशल मीडिया वालों, आप लोगों को कहूंगी जो लोग सोशल मीडिया में हैं, इन्फ्लुएंसर है भाई साहब, इस महीने आपकी तो बोलते ना नाम या बोलबाले बहुत सुनने को मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका जो है नाम होगा, क्योंकि इस महीने आपको फेम मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी ऊर्जाओं को, आपको, आपका उठना बैठना बोलना सबको बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर हमने पहली बात करी कि कोई पुराना मित्र एंटर कर सकता है, पहली घटना। दूसरी घटना में मैंने विदेश की बात करी है कि विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा कोई आ सकता है विदेश से, या मतलब सॉरी आ नहीं सकता है, कोई विदेश आप कहीं जाएंगे अचानक से या विदेश रिलेटेड कोई कार्य आपके सफल होंगे, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो फेमस हो सकते हैं। थर्ड घटना की बात कर लेते हैं। थर्ड घटना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी रही है पिछले बहुत लंबे समय से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, पीठ पीछे साजिश कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान ने आपका दिल दुखाया है। ये स्पेशली कोई कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए कोई दुश्मन हो सकता है या कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और उसके साथ आपके बहुत ज़्यादा संबंध खराब हुए हैं, उस इंसान ने आपको बदनाम किया या आपका नाम खराब किया या कोई तरीके की ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उस एनर्जी से वापस निकल पाने में आपको बहुत कठिनाई हुई है और कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हुई। फाइनली मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके जीवन में से टाटा बाय बाय सायोनेरा करेगा, यानी कि अचानक से वो इंसान आपको परेशान करना बंद करेगा, वो इंसान अपनी गलती को महसूस करेगा या आपसे दूरी बना लेगा। ये जो इंसान टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपको टाटा बाय बाय बोलते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जान में जान आएगी। आपको लगेगा उफ फाइनली जान छूटी, उफ फाइनली बेहतर हो गया, उफ फाइनली अब तो बल्ले बल्ले की सिचुएशन बनती है, अब तो पार्टी टाइम है। सो फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड आपकी पोजीशन जो कहती है वो ये है कि कोई दुश्मन जो आपको तकलीफ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, कोई दुश्मन जो आपको कहीं ना कहीं बार बार गिराने का प्रयास कर रहा है, वो जो है आपकी एनर्जीज को छोड़ आगे बढ़ जाएगा और नहीं आपके बोलते ना आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तीसरी घटना में एक बड़ा परिवर्तन भी है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो तीसरी घटना आपके लिए ये होगी कि आपके जीवन में किसी व्यक्ति की, किसी नए लव पार्टनर की एंट्री हो सकती है, कोई न्यू लव पार्टनर आ सकता है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। ठीक है, हम तीन घटना को रिवाइज करते हैं। पहली घटना आपको लिए कहती है कि पुराने संबंध बेहतर होंगे, कोई अचानक से पुराना मित्र आ सकता है, घर परिवार में खुशहाली होगी। दूसरा आप लोगों के लिए कहता है घटना, दूसरी घटना है विदेश यात्रा के रिलेटेड, या नेम या फेम हो सकता है। तीसरी घटना कहती है कि दुश्मनों की होगी टाटा बाय बाय, छुट्टी हो जाएगी दुश्मनों की, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो खुद ही मुंह के बल गिर जाएगा। और या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक नए लव पार्टनर की एंट्री एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये लव पार्टनर आपके लिए परमानेंट लव पार्टनर वाली एनर्जी लेकर आ रहे हैं, यानी कि शादी वादी की इंटरेस्ट में या कोई आगे की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल महीने के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स। ओके, सो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से ना आपने जरूरत से ज्यादा चीजों को ना बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश की। ये फलाना बंदा मुझसे नाराज़ है, इसे मना लूँ, या ये कार्य नहीं हो रहा है, इसमें बर्डन उठा लूँ। हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेते नजर आए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ओवरडू किया है, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है। पर दिस टाइम यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि अप्रैल के महीने में
सिर्फ वेट एंड वॉच के मोमेंट में रहो, यानी कि बैठ के बस नज़ारा देखो, इट्स शो टाइम बेबी। यानी कि ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बस इंजॉय करो, अब तुम मूवी देख रहे हो, उस मूवी में पॉपकॉर्न खाओ, मज़े करो, अब तुम्हारे फेवर में चीज़ें वर्क करने वाली हैं। यानी कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, तुम्हारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट तुम्हें जो है उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई ओवरडू नहीं करना है, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने कि ये कर लूँ वो कर लूँ फलाना, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स कह रहा है बस बैठ के पिक्चर का मज़ा लो और इन्जॉय करो। और यस, अपनी सेल्फ वर्थ को भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। जिस इंसान में स्वाभिमान है, अभिमान की बात नहीं कर रही हूँ, अभिमानी होना गलत है, स्वाभिमानी होना बहुत अच्छा है। तो अगर आप स्वाभिमानी बने रहे तो आपके फ़ायदे होंगे, यानी कि अगर आप किसी की भी बात में आकर झुक ना जाए, झुके मत, कोई गलती ही मत करे, ज़रूरत से ज़्यादा आपको झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है इस बार अपनी पीठ सीधी रखो, फिर देखो तुम्हारे फ़ायदे कैसे होंगे, तुम्हें झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, सब तुम्हारी बात मानेंगे, सब तुम्हारे ऑर्डर सुनेंगे, सब तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, बस तुम्हें उस चीज़ को, उस एनर्जी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने आप पे भरोसा करना है। ओवरऑल आपकी विक्ट्री, आपके हिसाब से चीज़ें वर्क होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर वृषभ राशि वालों रीडिंग पसंद आई, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवरऑल अगर आप लोगों को कोई अन्य जानकारी चाहिए, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे तो है ही सामने, ठीक है। सो चलिए मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, ओम सयाम।